हमीदिया के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल हमीदिया के अधीक्षक पर 50 से ज्यादा नर्स स्टाफ ने हरसमेंट के गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले भी मरावी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए गए थे, इसके बावजूद भी शासन ने उन्हें दोबारा इस पद पर नियुक्त कर दिया। पीसी शर्मा ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जांच की मांग की। महापौर पद के नामांकन को लेकर शर्मा ने कहा, भोपाल में नामांकन 17 तारीख को भरा जाएगा जिसमें सभी दिग्गज नेता रहेंगे। इस दौरान नाली, पानी, बिजली जैसी समस्याओं का खुलासा होगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया। बीजेपी में टिकट की घमासान पर पूर्व मंत्री ने कहा, भाजपा में पूर्ण रूप से घमासान चल रहा है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। वहीं प्रदेश में चल रही डीजल पेट्रोल की किल्लत को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को घेरा। अगर शिकायत कोई हुई है तो मामला ये सरकार के मंत्री तो उसमें ये कह रहे हैं कि अब मेरी संज्ञान में नहीं है, मैं दिखवाऊंगा। उस मामले की जांच करना चाहिए। जो कमिश्नर भोपाल हैं वो भी उस कमेटी में है, उनके द्वारा जांच करना चाहिए। जब महापौरों की हो गई 16 तो इसकी भी हो जाएगी। कब तक हो जाएगी? हो जाएगी, एक दो दिन से हो जाएगी। भोपाल में कब नामांकन? भोपाल में 17 तारीख को भराएगा नामांकन। कमलनाथ जी और सभी नेता रहेंगे। अभी बड़ा अच्छा है कि ये चुनाव बरसात में होंगे। ये नालियाँ पानी भरना, पानी नहीं आना, टैक्स ज़्यादा, पानी का टैक्स ज़्यादा, और सड़कें खुदी हुई दिखेंगी कि कैसी नकली भ्रष्टाचारी सड़कें बनाई, सब सामने आएगा। अभी तो लोगों को यहाँ का वो देखना है, खुद ही देखना है स्थिति क्या है। भी पहले महंगाई बढ़ाई और मिल ही नहीं रहा है, बता रहा हूँ। पूरी आपातापी है ये पूरे मध्य प्रदेश में। ये नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव इनकी पोल खोल देंगे और इनको बाहर कर देंगे।